आज हम अपनी क्लास में नाइन्थ क्लास का चैप्टर फाइव फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सेल वॉल। हमें पता है जो हमारा सेल वॉल है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। इट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ये हमारा एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। जो हमारा सेल वॉल है इट इज नॉट प्रेजेंट इन द एनिमल सेल बट इट इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। हमारा जो सेल वॉल है, सो अभी सेल वॉल पे आते हैं। सेल वॉल हमारा क्या काम करता है? इट इज अ आउटर रिजिड कवरिंग ऑफ द सेल। हमारी जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी उसी की तरह ये हमारा आउटर रिजिड कवरिंग है सेल की। जैसे हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी था बट जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन था वो किसके अंदर प्रेजेंट था? हमारे प्लांट सेल में भी प्रेजेंट था और हमारे एनिमल सेल के अंदर भी प्रेजेंट था। बट जो हमारा सेल वॉल है इट इज ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। इट इज नॉट प्रेजेंट इन द एनिमल सेल। हमारा जो सेल वॉल है ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही पाया जाता है और ये हमारी एक आउटर रिजिड कवरिंग है। हमारे जो प्लांट सेल है उसकी आउटर कवरिंग, जैसे हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक आउटर कवरिंग था, उसके बाद जो हमारा सेल वॉल है उसी की तरह हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर कवरिंग है हमारे प्लांट सेल के अंदर। हमारे ये एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। ओके, सो आगे हम करते हैं कि हमारे जो सेल वॉल है वो कैसे हमारे सेल को प्रोटेक्ट करता है। देखो, जैसे हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा एक आउटर कवरिंग था सेल की, आउटर कवरिंग था, है ना। उसी की तरह जो हमारे सेल वॉल है ये किसके अंदर है? हमारे प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, हमारे एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। जैसे हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक आउटर कवरिंग था, उसके एडिशन में हमारा, उसी के एडिशन में हमारा सेल वॉल भी एक आउटर कवरिंग है हमारे, किसकी? प्लांट सेल की आउटर कवरिंग है हमारा सेल वॉल। हमारे जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक आउटर कवरिंग था, उसी की एडिशन में हमारा जो सेल वॉल है वो भी एक आउटर कवरिंग है। एंड सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसी के बाहर की जो कवरिंग है उसके अंदर हमारा सेल वॉल प्रेजेंट होता है हमारे प्लांट सेल के अंदर। उसके बाद जो हमारा प्लांट सेल है, प्लांट सेल हमारा किसका बना होता है? हमें पता है जो हमारा प्लांट सेल है इट इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। हमारे जो ग्रीन पिगमेंट जो कलर है हमारे प्लांट सेल के अंदर, वो ग्रीन पिगमेंट हमारा कहाँ से मिलता है? हमारे सेलुलोज से मिलता है। और सेलुलोज क्या करते हैं? प्लांट को, प्लांट सेल को क्या प्रोवाइड करते हैं? स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। हमारी जो प्लांट सेल है वो क्या प्रोवाइड करता है? हमारा जो सेलुलोज है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हमारे प्लांट सेल को, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। ओके, हमारा जो प्लांट सेल है उसके अंदर क्या पाया जाता है? हमारा सेलुलोज पाया जाता है। और ये सेलुलोज क्या प्रोवाइड करते हैं हमारे प्लांट को? एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हमारे प्लांट सेल को। उसके बाद हमारा आता है प्लाज्मोलाइसिस। इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से। ओके, सो प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस इन विच ऑस्मोसिस जो है हमारा, हमें पता है जो ऑस्मोसिस क्या था हमारा, जब हमारी जो प्लांट सेल है वाटर लूज कर देती है, वाटर लूज कर देती है हमारी प्लांट सेल। और क्या करती है? ऑस्मोसिस के प्रोसेस के अंदर हमारा जो वाटर लूज है तो उसकी वजह से क्या हो जाती है? हमारी श्रिंकेज हो जाती है ऑफ सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सेल, है ना। सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस द सेल
लूजेज वाटर, वाटर क्या करती है लूज कर देती है, लॉस ऑफ वाटर हो जाता है वहां पे, वाटर लूज हो जाते हैं तो उसकी वजह से हमारा जो सेल है वो श्रिंक हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अगर हमारा सेल श्रिंक एंड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो उसकी वजह से जो हमारे सेल के अंदर काफी ज्यादा जो कंटेंट है वो क्या हो जाता है हमारा बाहर हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस फिनोमिना इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। क्या बोलते हैं हम, प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस। जब हमारा ऑस्मोसिस के प्रोसेस में हमारा जो वाटर है सेल के अंदर से लूज हो जाता है, हमारी सेल श्रिंक हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सो दिस फिनोमिना इज नोन एज द प्लाज्मोलाइसिस। सो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है, अपने न्यू टॉपिक के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आते हैं। थैंक यू सो मच।